आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित मोक्ष शास्त्र पर चल रही है। चर्चा छठाधिकार, और छठे अधिकार में जो चर्चा है वो हमारी कर्म के आश्रयों के कारण क्या है, इनकी विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, सातावेदनी और असातावेदनी, इनके हम चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। लास्ट में हमने जो चर्चा की है वो की है दर्शन मोहिनी जो कर्म है उसके आश्रयों का कारण। चूंकि दर्शन मोहिनी का अर्थ होता है मिथ्या, दर्शन मोहिनी का अर्थ होता है मिथ्या, तो उस मिथ्यात्व के अभाव रूप जो सम्यक उत्पन्न होता है, वो जो सम्यक तो है, वो सम्यक का मूल जो कारण है वो कारण है यथार्थ में देवसाज गुरु का आधार। अगर देवसाज गुरु के विषय में कुछ भी रंच मात्र भी अगर हमारी मिथ्या मान्यताएं रह जाती हैं तो उस मिथ्या मान्यताओं के आधार पर सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उनने जो विस्तार किया देवसाज गुरु को, तो उन्हें 5 चीजों में बांटा, केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देह। ये 5 हैं, इन 5ों के आधार पे कुछ भी मिथ्या मान्यता है अगर जीव अपने परिणामों में रखता है तो यथार्थ में उसके सम्यक्त में उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ये केवली, संघ, श्रुत, धर्म, देव, ये 5 कारण है, ठीक है ना, इसके लिए हमने अवर्णवाद, ठीक है ना। जो 13वें नंबर का सूत्र है वो मात्र दर्शन मोहिनी के लिए था। और हमने वो भी बात की थी कि ये ग्रहित मिथ्यात्व के अलावा से हाँ जो 5 है, हाँ हाँ तो अग्रहित की तो बात ही अभी तक नहीं नहीं, अपन हुई। ने अघृत की भी स्पष्टीकरण दिया हाँ था कि कुगुरु कुदेव कुशास की श्रद्धा का नाम यथार्थ में गृहित मिथ्यात्व है, ठीक है ना। कुगुरु कुदेव कुशास समझते हैं, जो वीतरागी नहीं है वो क्या है, कुगुरु है। जिनमें वीतरागता का पोषक नहीं है वो कुशास्त्र हैं, और जो वीतरागता के पोषण के अलावा अन्य तरीके से आचरण करते हैं वो कुगुरु हो जाते हैं। इस तरीके से समान डेफिनेशन है, विस्तार से आपको पढ़ना हो तो मोक्ष महाप्रकाशक में भी विस्तार से वर्णन मिलता है, और छठाला ग्रंथ में इनमें भी अपने को विस्तार से वर्णन मिलता है सब बातों का। तो उससे तो गृहित मिथ्यात्व का संबंध जुड़ जाता है। लेकिन अघृत मिथ्यात्म में देवसाज गुरु की क्यों आवश्यकता है, इस बात का स्पष्टीकरण अपन ने लास्ट टाइम भी किया था कि जिस का नाम अघृत मिथ्यात्व है वो है सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता का नाम अघृत मिथ्यात्व है। मतलब जीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता का नाम अघृत मिथ्यात्व है, जो कब से चला आ रहा है, अनादिकाल की परंपरा से चला आ रहा है। तो वो है, अभी कहते हैं कि गृहित मिथ्यात्व में तो हमें मानने में आता है कि देवसाज गुरु का सद्धान करना आवश्यक है सच्चे, लेकिन अगृहित मिथ्यात्व में सच्चे देवसाज गुरु का क्या क्या योगदान है, तो उसका स्पष्टीकरण अपन ने लास्ट टाइम भी किया था, अभी भी समझ लेते हैं कि जिन 7 तत्वों के सम्यक सद्धान का नाम सम्यक दर्शन है वो 7 तत्व का कथन किन के माध्यम से होता है, समझे ना। वो 7 तत्व बताए किसने, उन 7 तत्वों का वर्णन किसमें मिलता है, और उसे 7 तत्व रूप प्रैक्टिकल जीवन किसका है। तो अगर हम सब तरीके से देखते हैं 7 तत्वों के बारे में तो वो सारा का सारा संबंध देव साज गुरु से हो जाता है, क्योंकि देव ने कथन किया है, शास्त्र में लिखे हुए हैं, और गुरु के जीवन में 7 तत्व प्रकट रूप से हैं। संबंध निजरा की अपेक्षा से बात करें, आश्रवंद की अपेक्षा से बात करें, तो उनके जीवन में प्रकटपने देखने में आते हैं। तो अगर उनके बारे में कुछ भी खोटी मान्यताएं होंगी तो उसे खोटी मान्यता से क्या होगा कि यथार्थ में उसके अघृत मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, और अघृत मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तो नियम से उनके सम्यक की उत्पत्ति नहीं होगी। तो यथार्थ में देवसास गुरु की जो पोजीशन है ना, वो अकेले गृहित मिथ्यात्व को लेके नहीं है। सम्यक दर्शन कोई सा भी हो, कभी भी हो, कोई सा भी हो कभी भी, का अर्थ कैसे कि ये तो छठा काल, ये पांचवा काल है, उस पांचवे काल में भी होंडा अपसर्पिणी काल है। असंख्यात काल परिवर्तन होने के बाद एक बार होंडा अपसर्पिणी पड़ता है, तो इस होंडा अपसर्पिणी काल के दोष से ये गृहित मिथ्यात्व खड़ा हुआ है। अब
आप ये हुंडाभिसर्पिणी हटा दो, आने वाले कोई सा भी काल आएगा और हुंडाभिसर्पिणी नहीं होगा, पांचवा काल होगा या चौथा काल होगा, उस काल में भी अगर सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन में प्रथम नाम देवसाज गुरु के ही आए। किसी भी जीव के सम्यक दर्शन बिना देवसाज गुरु के, सम्यक सिद्धांत के बिना तीन काल में नहीं हो सकता है, ये निर्णय करके चल, ठीक है ना। तो गृहित और अगृहित दोनों में देवसाज गुरु की उपयोगिता बराबर उतनी ही है, ऐसी वाली बात है, ठीक है ना। और अंत में जो पांचवा जो हमने देव लिया है, हाँ, वो स्वर्ग के देव की बात करते हैं, स्वर्ग के, स्वर्ग के। मैंने ऐसे प्रश्न ऐसे भी पूछा था कि तो फिर नरक और नारकी जीव की खोटी मान्यता क्यों साथ में है, क्यों नहीं। देखो ये क्या है कि मूल में एक मनुष्य गति में चार गतियां हैं, तो चार गतियों में मनुष्य गति के जो संबंध बनते हैं, संबंध जुड़ते हैं व्यवहारिक रूप से, वो दो गतियों से जुड़ते हैं, एक त्रिंज गति से और एक देव गति से। नर गति से हमारा कभी संबंध नहीं जुड़ता है, नरक क्यों, नारकी जीव ना तो ऊपर आता है और ना आप नरक में जा सकते हो, समझे ना, तो हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ता है। त्रिंज गति की अपेक्षा से बात करें तो पशु पक्षी आदि हैं जिनसे आपका संबंध जुड़ता है, और उनके बारे में कोई विपरीत मान्यता हमारे जीवन में कभी खड़ी नहीं होती। क्या है कि पशु है, क्या है कि पक्षी है, बस खत्म। इससे हम कभी सोचते नहीं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ता है। अभी उनमें पावर भी नहीं है कि जिसके बारे में हमारी कोई मिथ्या मान्यताएं, खोटी मान्यताएं खड़ी होती हूं, हमारी जैनियों की बात कर रहा हूं, अन्य मतों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए पशु पक्षी या त्रिंज गति के जीवों के बारे में हमारी कोई खोटी मान्यता नहीं है जो तत्व के विपरीत खड़ी हो, ठीक है ना। लेकिन देव ऐसे जीव हैं स्वर्ग के जिनसे जीवों को बहुत मान्यताएं खड़ी हो जाती हैं। क्या मान्यताएं खड़ी, कि देव बचा लेंगे, देव ये दे देंगे, देव वो दे देंगे, अथवा देवों के साथ संबंध बनते हैं पुरुषों के या स्त्रियों के, या देव आपका नाश भी कर सकते हैं, देव आपको बचा भी सकते हैं। ऐसी जो विपरीत विपरीत मान्यताएं होती हैं जिससे कि आपका सम्यक तो खंडित हो सकता या सम्यक उत्पन्न नहीं हो सकता, तो देव के संबंध में ही ऐसी विपरीत मान्यताएं खड़ी हो सकती हैं। तो यथार्थ में वहां देव का संबंध जुड़ने से उन्होंने स्पष्टीकरण यहां देव में दिया। अन्य गतियों से हमारा कोई संबंध जुड़ता नहीं है, तो उनके बारे में हमारी कोई मिथ्या मान्यता जन्म नहीं लेती। और ये देव क्यों कहने का अर्थ स्पष्टीकरण दिया। दूसरी बात भी ये कारण पड़ता है, देव के दो अर्थ होते हैं। एक देव तो वो होते हैं जो सिद्धलोक में विराजित हैं या अरहंत परमेष्टि आदि हैं, जिनको हम साक्षात देव आदि कहते हैं, और एक व्यवहारिक देवगति की अपेक्षा से ये होते हैं देव। अभी हमारे में देव का सद्धान करना लिखा हुआ है, तो हमने देव का सद्धान का अर्थ स्पष्ट रूप से वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे जो हमारे परमेष्टि हैं उनका संबंध हमने जोड़ा है। और अन्य मतियों ने तो क्या पढ़ा, यहां देखो लिखा है देव का सद्धान करना, तो देव के सद्धान में उन्हें उस देव तक नहीं पहुंचे, उनने देव से किसको जोड़ लिया कि स्वर्ग लोक के देव। अब उनके बारे में उन्होंने मान्यता बना ली कि यही भगवान है और इनको ही पूजो, तो उस हिसाब से उनकी मान्यता के हिसाब से उनका पूज्यता की बात भी लागू पड़ जाती है, सही ना। तो बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं जो खड़ी हुई हैं वो देवों के बारे में खड़ी हुई हैं, उन देवों के बारे में ऐसी मिथ्या मान्यताएं होने के कारण से यहाँ स्पष्टीकरण उसका खुलासा अलग से दिया कि भाई देव के बारे में अगर कोई भी खोटी मान्यता उत्पन्न होती है तो यथार्थ में क्या होता है, दर्शन मुनि का आश्रय पहले। दूसरी बात आखिरी, यथार्थ में जो वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु के स्वरूप को मैं यथावत जानना है, तो देव का जो स्वरूप है वो देव का स्वरूप है, मतलब देवगति के देवों का। अब उसके बारे में अगर हम कोई भी मिथ्या मान्यताएं बनाते हैं तो यथार्थ में वो वस्तु के स्वरूप में विपरीत मान्यताएं आपकी बनती है। तो जो वस्तु के स्वरूप में अगर विपरीत मान्यताएं हमारी बनती हैं तो यथार्थ में तुम्हारी जो मान्यताएं खड़ी हुई हैं वस्तु से विपरीत खड़ी हुई हैं, वस्तु के सम्यक स्वरूप का नाम सम्यक दर्शन है और विपरीत स्वरूप का नाम मिथ्यात्व है। जी हाँ, देखो अपन ने इस बात का स्पष्टीकरण शुरुआत में किया था, ऐसा नहीं है कि इस परिणाम से ये कर्म बनता है। जीव परिणाम कोई से भी करे, बंधन तो उसके सातों के सातों कर्मों का निरंतर पाया जाता है हर एक परिणाम से, हर एक क्रिया के माध्यम से। परंतु मुख्यता से पर्टिकुलर ऐसे परिणाम करने से पर्टिकुलर कर्मों की स्थिति और पर्टिकुलर कर्मों का अनुभाग ज्यादा बंधता है, समझे ना। अभी हमने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के बारे में या देवसाज गुरु के बारे में कोई भी मान्यताएं बनाई,
उस मान्यता के आधार पे आपका ज्ञानावर्णी भी है, दशनावर्णी भी है, मोहिनी भी है, अंतराय भी है, नाम है भी है, गोत्री भी है, वेदिनी, क्योंकि उस परिणाम में अनंत परिणाम सम्मिलित है। तो मुख्यता सामान्यता देखने जाएंगे तो एक समय में जीव ने सातों के सातों कर्मों का आश्रय किया, परंतु वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से हम विचार करने बैठते हैं तो उसने उन क्रियाओं के प्रति अपना ज्यादा विपरीत मान्यताएं बनाई जो सम्यक्त में बाधक है। तो उस परिणाम के आधार पर उसके दर्शन मोहिनी का तीव्र बंधन हुआ, बाकी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का भी हुआ। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं क्वांटिटी देखें तो कौन से कर्म का आश्रय ज्यादा पाया जाएगा? दर्शन मोहिनी का। अभी जैसे कहते हैं मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व नाम है, दर्शन मोहिनी है, मिथ्यात्व प्रकृति का बंधन होता है। अभी मिथ्यात्व प्रकृति का बंधन होता है तो मिथ्यात्व के साथ उसके अन्य प्रकृतियों का भी बंधन है ही, है ही। जीव का ऐसी समय, एक भी ऐसा समय नहीं आता है कि जब ये पर्टिकुलर कर्म ना बांधता हो। ऐसा कोई वर्गीकरण या ऐसा विभाजन नहीं है कि नहीं आज ज्ञानवर्णी के बंधेगा या दर्शनी वर्णी का बंधेगा। ये तो बहुत स्पेशली ऐसे कथन किए गए हैं वो परिणामों को बताने के लिए कि हम कहां कहां खोट कर लेते हैं और किन किन कारणों से ऐसे ऐसे परिणामों का विशेष बंधन हो जाता है। ऐसी वाली हाँ हाँ पाप का बाप, क्योंकि सारे के सारे पाप उससे ही खड़े होते हैं ना, शुरुआत उससे ही है। एक मिथ्यात्व चला जाता है बाकी पाप तो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो ही जाते हैं, लेकिन मिथ्यात्व बना रहे तो कभी भी तीन काल में हमारे पापों का और कसायों का अभाव नहीं हो सकता। ऐसी वाली बात। ठीक, तो बहुत कुछ बातें हैं जो पढ़ने और समझने की है इन बातों में। एक बात का स्पष्टीकरण लास्ट टाइम हुआ था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था और क्लियर नहीं हुआ था, तो वो मैं क्लियर कर दूं। धूप दशमी का, जैसे रोशन भाई है नहीं तो वो उस दिन जो बात निकली थी बहुत सामान्य सी चर्चा करके खत्म करूंगा। धूप दशमी या सुगंध दशमी जो हमारे यहाँ पाई जाती है, व्यवहारिकता में एक उसकी इतनी सी स्टोरी आती है कि कोई राजा की रानी थी, उस राजा की रानी ने मुनिराज के ऊपर पीक कर दिया, तो थूक दिया था, ठीक है ना। तो मुनिराज तो साम्य भावी होते हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं, कोई आकुलता नहीं, वो तो आराम से निकल गए। कुछ दिनों बाद वो रानी मर जाती है, ठीक है ना, वो रानी मर जाती है, मर के अन्य कुगतियों में जाती है और कुगतियों में जाते जाते कुछ समय बाद वो वापस किसी राजा के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती है। जब पुत्री के रूप में जन्म लेती है तो उसके शरीर से बहुत बदबू आती है, उसका नाम रखा जाता है दुर्गंधा। उसका क्या नाम रखा जाता है? दुर्गंधा। तो बहुत बदबू आती है, आसपास कोई नहीं आता है, सब भागने की कोशिश करते हैं दुर्गंधा के से, ठीक है ना। शादी आदि भी नहीं होती है, वो सब पूरी एक स्टोरी है लंबी लंबी, वो सब नहीं सुनाऊंगा। तो वो राजा के नगर में एक बार मुनिराज आते हैं, तो मुनिराज के निकट जाता है और पूछता है कि भाई मेरी पुत्री के शरीर से इतनी बदबू क्यों आती है, इतनी भयानक, इतनी ज्यादा। तो मुनिराज उसको स्टोरी पूरी पूर्व भावों की सुनाते हैं और बताते हैं पूर्व के भाव में इसने भावलिंगी संत की विराधना की थी और उससे बहुत सारी गतियों में मरण करते 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 आज तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया है। तो फिर पूछते हैं ये इसका समाधान क्या है, तो कहते हैं ये तुम एक काम करो, समाधान क्योंकि अभी जीवों को धर्म मार्ग में लगाना है, तो धर्म मार्ग में लगाना है तो उनको व्यवहारिक क्रियाओं के आधार पर, व्यवहारिक क्रियाओं का लोभ दे के उनको धर्म मार्ग में लगाया जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये व्रत करना और इस व्रत को जब करोगे तो इस व्रत के करते करते तुम्हारे शरीर से दुर्गंध अपने आप निकल जाएगी। तो ने इस तरीके से व्रत मतलब सम्यक्त्व सहित उनको अणुव्रतों में स्थापित किया, सम्यक्त्व सहित मतलब सम्यक्त्व के उस तरीके से भावनाएं जगाई, उस तरीके से क्रियाएं बताई जिससे उनके सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ, देवसार गुरु पर श्रद्धा धारण हुई और उसके आधार पर उसने अपने जीवन में अणुव्रतों का पालन किया। तो ऐसे कुछ 10 वर्ष तक लगभग वो क्रियाओं का पालन करती हैं। 10 वर्ष बाद स्वयं उनका उसका अपने आप मरण हो जाता है, किसी कारण से मरण हो जाता है। बाद में जब वापस उस जन्म लेती हैं तो सुगंधित शरीर को लेके जन्म लेती हैं अगले भाव में, स्त्री पर्याय का विच्छेद हो गया, सम्यक्त तो हो गया, तो अगले भाव में पुरुष में इस तरीके से कुछ होता है। तो शरीर से बहुत उनकी अच्छी अच्छी सुगंधित आती है, तो उसका कारण पूछती हैं, तो उसका कारण बताते हैं कि भी तुमने पूर्व भाव में ऐसे ऐसे व्रत आदि किए थे, उस व्रत आदि के आधार पर तुम्हारे आज ऐसा शरीर मिला, इस तरीके से स्टोरी है उसकी। तो उसमें तो बहुत व्यवहारिकता की अपेक्षा से वो व्रतों का कथन किया है। अब हुआ क्या उसी परंपरा में लोगों ने कि भैया सुगंध दशमी का अपने को व्रत करना है या अपने को वो क्रियाएं करनी है, उसके आधार पे वो व्रतों की परंपरा चल रही है। अभी व्रत तो गायब हो गए हैं, मात्र धूप दशमी कैसे आ गई वो उसका स्पष्टीकरण कहीं पे मिलता नहीं है।
तो लोगों ने धूप चढ़ाने की चालू कर दी। अभी धूप की भी बात करें तो धूप तो हम जब बात करते हैं तो हम तो स्पष्टीकरण जब आठ अष्ट द्रव्य चढ़ाते हो धूप आती है, तो धूप में हम कभी भी, चूंकि मूल तो अमूल्य वस्तु चढ़ाने की बात है जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो अभी अमूल्य है नहीं, तो हम तो वर्तमान में जो सबसे उत्कृष्ट वस्तु है वो चढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं, और जो शुद्ध है सचित्त है अचित्त है, मतलब किसी भी तरीके से जीवादि की उसमें उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसी चीजों का हम उपयोग करके पूजा आदि करते हैं, तो वो तो धूप में हम लविंग आदि चढ़ाते, अन्य कोई चीज चढ़ाते नहीं, ठीक है ना। तो अभी जो अन्य मतियों में, अन्य मत अपने में जो अन्य तरीके की जो मान्यताएं लागू पड़ती हैं उसमें वो धूप आदि चढ़ाते हैं, वो सब जो धूप आदि चढ़ाने की बात नहीं है, और उस दिन थोड़ा सा स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था कि रोशन भाई ने कहा था भाई लकड़ी चढ़ाने, तो लकड़ी तो ऐसा है कि भाई लकड़ी अपने आप में कोई अमूल्य वस्तु नहीं है, सस्ती चीज है, चीप चीज है, तो वो हम कैसे भगवान को समर्पित कर सकते हैं। चंदन आदि ऐसा, चंदन सस्ता नहीं आता है, चंदन एक्सपेंसिव है, चंदन सस्ता नहीं आता, जो चंदन का उपयोग करते हैं मात्र, तो लकड़ी तो वो भी है लेकिन वो एक्सपेंसिव, वो सस्ती चीज नहीं है, बाकी बाकी कोई भी लकड़ी वो सस्ती है, और लकड़ी का कोई मतलब भी नहीं ना चढ़ाने का, उसमें क्या ऐसी उत्कृष्ट चीज है कि हम लकड़ी चढ़ा, वो भी भगवान को लकड़ी चढ़ा, तो इस तरीके से लकड़ी की भी चढ़ाने की बात नहीं है। परिणाम आता है तो लविंग आदि ही धूप के रूप में अपन उपयोग में लेते हैं, कोई दूसरी चीज उपयोग में लेते नहीं है, ठीक है। इस तरीके से वो एक स्पष्टीकरण देने की एक बात थी, बाकी धूप दशमी या सुगंध दशमी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और वो तो उसने व्रत अपने शरीर को दुर्गंध से हटाने के लिए उस तरीके की बात लागू पड़ती है, यहाँ जो कहते हैं देह तेरी नहीं है तो उसके प्रति तुझे क्या परिणाम करना, उसके प्रति क्या संभाल का परिणाम करना, तो इसलिए वो एक सामान्य कथनों की अपेक्षा से ऐसी कहानियां आती, ठीक है ना। धूप इन द सेंस क्या होता है कि इंडिया में तो वो लोग मार्केट में एक धूप नाम की वस्तु बिकती है जो केमिकल आदि से और सब चीजों से मिलके बनाते हैं वो लोग, कि आप उसको आग में डालते हो तो आग और तेज होती है और जलती है, स्मेल आती है, समझ ना, है धुआं बहुत होता है, धुआं निकलता है, धुआं एकदम सुगंधित होता है, हाँ जो भी अलग अलग तरीके की बात है, हाँ बहुत सारी चीजें मिला, तो इस तरीके से धूप अलग से स्पेशल मिलती है तो वो लोग चढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, और अभी हो गया क्या है कि भाई चंदन और कपूर कोई सस्ती चीज तो है नहीं, तो कहने के नाम पे तो चंदन कपूर हुआ, ठीक है ना, लोग तो मार्केट में उसका इंग्रेडिएंट ले लेके कुछ भी उस तरीके की स्मेल ले लेके कुछ भी बना देते हैं, केमिकल डाल के और बना के बेचते हैं, अभी चंदन और कपूर आप यूज करने बैठो तो आपको एक रुपए की थोड़ी ना मिलेगी धूप, आपको उतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको तो एक रुपए में इतनी पूरी पैकेट आके आपको मिल जाता है, तो वो धूप के नाम पे कुछ भी बेचते हैं और लोग तो कुछ भी चढ़ाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज चढ़ती नहीं है जो योग्य ना हो, उस बात का निश्चित स्पष्टीकरण है, आपकी मान्यताएं कुछ चलती हो इसलिए यहाँ धर्म की अपेक्षा से जब बात करने आई कि धर्म में अवर्णावाद की बात है, हम बहुत बुद्धिपूर्वक विचार करें, जो चीज योग्य नहीं है और जो वस्तु स्वरूप के विपरीत है, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी आचरण हम अपने जीवन में आचरण में ना लाएं और उनको हम धर्म नाम ना दें, उनको हम धर्म नाम ना दें, इस बात का विवेक हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। अभी जैसे विषय चली रहा है धर्म के अवर्णावाद की बात करूं, अभी जैसे आप मेरे यहां जाओ, मेरे साइड एमपी साइड जाओ, अभी मेरे खानदान की बात करता हूं, मैं अपने परिवार की बात करता हूं, मेरे गांव की बात है, तो वहां कोई सती हो रहा था, सती समझते हैं, इंडिया के लोग तो सती समझते हैं, सती समझ, सती क्या होता है कि जब पुरुष मर जाए है? तो बिडो बिडो नहीं रहती है, फिर वो पुरुष के साथ जल के मर जाती है, उसको सती कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं, समझ गए ना, क्या सती, ठीक है ना। तो सती प्रथा होती थी, तो कोई सती हो रही थी तो वो अर्थी, अर्थी जो समझते हैं भाई, अर्थी अर्थी, अरे अर्थी को क्या कहते हैं भाई, अरे डेड बॉडी को अर्थी नहीं कहते हैं, जहां जिसपे डेड बॉडी रख के जलाते हैं अर्थी, ठीक है ना। तो अर्थी सजा ली जाती है और उसपे आदमी बैठ को लिटा दिया है, हाँ समझ गए ना, उस पर लकड़ी रख के सब जला देते, जलाने की बस प्रोसेस होती रहती है, तो वो स्त्री जो होती है वो ऊपर जाके बैठती है जलने से पहले, तो उसके हाथ में नारियल होता है और वो किसी को भी देती है, जिसको देती है ना तो उसको उस दिन पर्टिकुलर दिन पूजा करनी रहती, सती की पूजा, क्या सती की पूजा करनी रहती है। अभी आप मानो, आप हमारे खानदान में चल रहा है, लोग करते हैं पर्टिकुलर डेट में, और वो व्यवस्था है, लोग उसको बड़ी श्रद्धा और बड़ी भावना से मानते हैं, पूछते भी हैं,
उसकी पूजा भी करते। नहीं सती प्रथा नहीं चली, उसकी पूजा चल रही, पूजा चल रही। मेरे खानदान की बात कर रहा हूँ, लोग उसको धर्म नाम दे देते हैं। अभी वस्तु स्वरूप में ये चीज है कि आप किसको पूज रहे हो, आप किसको नमस्कार कर रहे हो, आप किसकी अनुमोदना कर रहे हो। वहां साक्षात पंचेंद्रीय मनुष्य गति का जीव जलता है, अनंत आकुलता व्याकुलता से मरता है, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हो। अज्ञानता बस लोग कर रहे हैं और उसको मानते हैं, पूछते हैं। अभी आप निषेध करने जाओ तो लोग तो लड़ने बैठ जाए, नहीं हमारे खानदान से चल रहा। अरे खानदान से चल रहा है तो तेरे खानदान में तो कोई करोड़पति था नहीं, सब गरीब थे, तो तू करोड़पति क्यों हो गया? तू गरीब रहे ना, सब डाकू चोर थे, एग्जाम्पल की बात है, तू डाकू चोर बनना, तू क्यों डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया? खानदान की परंपराएं निर्वाह तब होती हैं जब वस्तु स्वरूप के अनुकूल हों, धर्म के अनुकूल हों। व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर धर्म की डेफिनेशन नहीं बनाई जा सकती। जहां अहिंसा होती हो, जहां पाप होते हो, जहां कसाएं बढ़ती हो, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी आचरण जीवन में यथार्थ में धर्म के विपरीत अगर पाया जाता है तो बुद्धिपूर्वक विवेक विचार करके उन क्रियाओं और उन आचरणों का त्याग हमारे जीवन में होना चाहिए। आग्रह नहीं रखना धर्म में, सत्य का ही आग्रह हो, अहिंसा की ही आग्रह हो, बाकी कोई आग्रह नहीं होना चाहिए धर्म। हम जैसे पंडित किसको सुधार सकते हैं? नहीं नहीं, आप उन्हें, कोई भी पंडित उधर जाता है, कोई नहीं सुधार सकता। जीव की मान्यता इतनी पुष्ट है। देखो ये बातें जो जीव के जीवन में बाद में आती हैं, जब जीव वस्तु स्वरूप को समझता है, धर्म को समझता है, धर्म की डेफिनेशन समझता है, तब हम उन बातों का समाधान दे सकते हैं। जो आदमी सात तत्वों के नाम नहीं सुने हो, उसे जीव को आप कैसे बताओगे कि ये धर्म है और आप इसको छोड़ो? है ना, वो बहुत बात की प्रोसेस है। मिथ्या मान्यता है तो धीरे धीरे धर्म के वस्तु स्वरूप के बाद छूटती है, शुरुआत में छूटती नहीं। तो वहां तो आप अगर आप बोलो तो मैं डंडे खा के आ जाऊं, हैं? तो क्रियावादी है, नहीं, सभी जगह क्रियावादी है। एक उदाहरण वाली बात थी कि कदाचित हमारे घर में आ गई हो, आपके अफ्रीका में चलती हो और धीरे से हमारे घर में वो क्रिया प्रवेश कर गई हो और हम उसका पालन पोषण करते हो, तो वो भी गलत है। ठीक है ना, सामान्यता एक बताने वाली बात थी, उसका स्पष्टीकरण मैंने दिया है। हाँ बोलिए। ये जो लौंग हम यूज करते हैं धूप की जगह, हाँ, तो साबुत लौंग चाहिए उसको तोड़ के डालना चाहिए? तोड़ के मतलब क्या? उसका छोटा छोटा पीस कर? नहीं नहीं, पूरी चढ़ाई जाती है। मेरे पास तो क्यों भी जिम्बा घर पर जो रहता है ना, हाँ, जिम्बा रहता है, वो कहता है कि देखिए वो जब तक आप साबुत रखोगे, हाँ, लौंग, हाँ, तो फल में गिना जाएगा। हाँ, और इस तरह से उसको तोड़ दोगे तो उसको धूप में? अभी इतना विस्तार नहीं पता है मुझे अभी। ऐसे लोग करते हैं क्योंकि वो है ना, यूज ना हो सके वापस, फर्स्ट थिंग, और सेकंड कि वो अलग दिखे कि जो लविंग आप साबुन यूज करते हो उससे, हाँ, एक विवेक वाली बात है कि वो वापस बेचने में ना आए इसके लिए। वो फर्स्ट रीजन तो हो सकता है कि लेकिन साबुन वाली लविंग यूज था ना, दैट इज सेपरेट, और यहां है जो धूप यूज। हाँ मतलब उसमें ज्यादा ज्यादा विवेक, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आप लविंग सीधी चढ़ा दोगे, नहीं समझने वाली बात, हाँ, क्लियर करने वाली बात थी। जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो तो अपन कलश से चढ़ाते हैं, कलश की व्यवस्था सामान्य लागू पड़ती है। नहीं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तो बात नहीं है, लेकिन अशुद्ध शुद्धता की अपेक्षा से भी एक, देखो मूल में तो अष्ट द्रव्य अलागू पड़ते हैं, तो अष्ट द्रव्य में अगर आप जल चंदन में लाते तो बहुत बेहतरीन है जनरली। हाँ हाँ, नहीं एक सामान्य कथन, जल और चंदन, क्योंकि अष्ट द्रव्य में अपन थाली थाली का माल तो मिला लेते हैं काफी बार जल और चंदन नहीं डालते हैं, जो कलसी में होता है ना, नहीं डालते हैं, तो लोग एक व्यवहारिकता के हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन सावधानी होनी चाहिए उसमें कि भी आप हाथ नहीं डालो तो वो ज्यादा बेटर है। एक सामान्य सावधानी वाली बात है उसमें, और विवाद का विषय भी नहीं है उसके साथ, मुझे फिर अपना भाव नहीं करता है। हाँ नहीं ठीक, इसलिए सावधानी, अपनी अपनी व्यक्तिगत सावधानी हम जीवन में रखें,
और अपने को लगता है तो इनमें सब चीजों में बहुत गहराई से सोचने ऐसा नहीं होता है, इसलिए लेट गो करें उतना ज्यादा बेटर है। कोई बहुत बड़ी क्रिया होती हो जिससे कि बहुत कुछ विराधना होती हो, वहां हम सावधानी से समझा सकते हैं, कह सकते हैं। इन छोटी छोटी क्रियाओं में अगर कहीं भी आकुलता व्याकुलता नहीं खड़ी होती हूँ हम, तो वहाँ समझदारी अपनी कि हम शांत रहे हैं वो ज्यादा बेटर होता है। ऐसी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्यों फिर इतना ओपिनियन कितना आ गया? ओपिनियन ओपिनियन तो क्या हो गया है, लोगों ने अपने अपने मत के हिसाब से अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से बना दिया है। मूल जो परंपरा है वो तो अष्टद्रव्य से पूजा ही करने की है। भाव, क्योंकि भाव तो सही बात है, लेकिन भाव का आधार तो द्रव्य ही है ना। आप समर्पित क्या करोगे भगवान को, खाली हाथ आते हो। ये हमारी सोनगढ़ियों की सबसे बड़ी गलती है, स्पष्ट कर रहा हूँ, सोनगढ़ी नाम इसलिए बोल रहा हूँ। आप MP UP में जाओगे या आप कहीं भी जाओगे, इवन गुजरातियों में भी, आप गुजरात साइड भी जाओगे, मूल दिगंबर परंपरा तो खाली हाथ आने की है ही नहीं मंदिर। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैंने क्या बोला, जो जितना चिंतन होना चाहिए पूजा में, और आप बाजू वाला को देखो ये करता है तो फिर उपयोग आपका और नहीं। एक सामान्य सावधानी की अपेक्षा से तो थोड़ा सी सावधानी रखनी पड़ती है, सीखने सिखाने के हिसाब से बहुत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी अगर जीवों के विशेष आग्रह खड़े हो जाते हैं तो वहां फिर ये वाली बात है कि आप उनको लेट गो करो, अब अपना काम करो। उनका प्रश्न भी बराबर था, एक वस्तु स्वरूप को जानने के पीछे से क्या व्यवस्था, ऐसी वाली बात। चलिए 8:30 बज गए, अपन विषय प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। तो अपना ये बात क्लियर हो गई थी, अपने को जो उसमें 9वें नंबर का सूत्र का 9 नंबर लिखा है, सूत्र का जो मूल सिद्धांत है वो अपने को पढ़ के फिर आगे की चर्चा करनी। मैं तो पढ़ता हूँ, सभी विकल्प से धर्म होता है, ऐसी मान्यता रूप अगृहित मिथ्यात्व जो जीव के अनादि से चला आया है। क्लियर हुआ, ठीक है ना, कि जो सबसे क्रियाओं के आधार पर धर्म मानना वो अगृहित मिथ्यात्व है, क्योंकि वो पुण्य आश्रव है, उसको आप धर्म कैसे दो दो, ठीक है ना। मनुष्य गति में जीव जिस कुल में जन्म पाता है उस कुल में अधिकतर किसी ना किसी प्रकार से धर्म की मान्यताएं होती हैं। हर कुल में, हर धर्म में, हर घर में धर्म की अपनी अपनी एक डेफिनेशन लागू पड़ती है। पुनः उस कुल धर्म में किसी को देव रूप से, किसी को गुरु रूप से, किसी पुस्तक को शास्त्र रूप से और किसी क्रिया को धर्म रूप से माना जाता है। जीव को बचपन में इस मान्यता का पोषण मिलता है और बड़ी उम्र में अपने कुल के धर्म स्थान में जाने पर वहां भी मुख्य रूप से उसी मान्यता का पोषण मिलता है। इस अवस्था में जीव विवेक पूर्वक सत्य सत्य का निर्णय अधिकतर नहीं करता और सत्य सत्य के विवेक से रहित दशा होने से सच्चे देवगुरु शास्त्र और धर्म पर अनेक प्रकार झूठे आरोप करता है, क्योंकि उसकी मान्यताएं जो चली आ रही हैं, अब उस मान्यता के आधार पर वो पोषण करता है। अभी वाद विवाद करने बैठो तो सीमा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप कुतर्कों से धर्म को काट सकते हो, कुतर्कों से धर्म को काट सकते हो। कुतर्कों से मतलब तर्क नहीं है, कुतर्क है, जो सम्यक नहीं है, मिथ्या है, लेकिन उसके आधार पे कोई कुतर्क करने बैठे तो कुतर्कों के आधार पे वो धर्म को झूठा सिद्ध कर सकता है। वो एक उन्हें एक सामान्य अपेक्षा से कथन किया कि ऐसा भी हो सकता है, आप बोलो ऐसा तो कहेगा नहीं देखो ये ऐसा देखने में आता है और इसमें धर्म है, तो उसके कुतर्कों से वो आपको गलत भी सिद्ध कर सकता है, क्योंकि हमारे पास सारे समाधान मौजूद नहीं है वर्तमान में हमारे ज्ञान में, तो आप उससे लड़ नहीं सकते, बहस नहीं कर सकते, समझ नहीं, ऐसी वाली बात। तो इसलिए उसकी मान्यताएं जो चली आ रही हैं उस मान्यताओं के आधार पे वो नई डेफिनेशन बनाता है, उन बातों का पोषण करता है और सत्य सत्य का उसको निर्णय है ऐसा। यह मान्यता इस भाव में नई ग्रहण की हुई होने से और मिथ्या होने से गृहित मिथ्यात्व कहते हैं। ये अगृहित और गृहित मिथ्यात्व अनंत संसार के कारण है, इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र धर्म का और अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर अग्रहित तथा गृहित दोनों मिथ्यात्व का नाश करने के लिए ज्ञानियों का उपदेश है। अग्रहित मिथ्यात्व का विषय 8वें बंध अधिकार में होगा, आवेगा। आत्मा को ना मानना, सत्य मोक्ष मार्ग को दूषित कल्पित करना, असत मार्ग को सत्य मोक्ष मार्ग मानना, परम सत्य वितरागी विज्ञानमय उपदेश की निंदा करना,
इत्यादि जो जो कार्य सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं वे सब दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है। वो हर एक क्रिया, वो हर परिणाम जिससे सम्यक दर्शन मलिन होता हो या सम्यक दर्शन में बाधा खड़ी होती है, वो हर एक क्रिया क्या है? नियम से दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है। अभी सम्यक दर्शन की अपेक्षा थोड़ा सा विस्तार से अगर समझने बैठे, सम्यक दर्शन के कितने दोष होते हैं, मतलब सम्यक दर्शन कितने दोषों रहित होता है? सम्यक दर्शन कितने दोषों रहित होता है? हम बोलो भाई, ऐसा घबरा क्यों रहे हो? मैंने ये नहीं पूछा सम्यक दर्शन के कितने अंग है, मैंने पूछा सम्यक दर्शन कितने दोषों रहित होता है। 25 बराबर बराबर 25 दोषों रहित होता है। 8 शंकाएं आदि 8 दोष हैं, 8 मद आदि हैं, 6 अनायतन हैं और 3 मूर्ता हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इन दोषों से रहित होता है। अब इन 25 दोषों की जो भी क्रियाएं हैं, चाहे 8 मद रूप हों, चाहे 8 शंकादि रूप हों, चाहे 6 अनायतन रूप हों और चाहे लोक मूर्ता रूप हों, विस्तार से पढ़ना तो आप रत्न श्राप का चार आदि ग्रंथों में आप पढ़ लेना, वहां आपको विस्तार से वर्णन मिलेगा, नहीं तो 6 धारा में मिलेगा। तो अब आप अगर इस तरीके से कोई भी क्रियाएं पाई जाती हैं जिससे सम्यक दर्शन मलिन होता हो या सम्यक दर्शन में बाधाएं पड़ती हैं, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसी कोई भी आचरण, ऐसी कोई भी मान्यता, ऐसी कोई भी चिंतन, वो क्या है? दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है। उसके विपरीत 8 मद रहित निर्मद होना और शंका से रहित निशंकित होना, जो 8 गुण है, अथवा और तो 6 आयतन से रहित होना, 3 मूर्ताओं से रहित होना, ऐसी क्रिया, ऐसा आचरण करना, और अगर एक शब्द में बोलें तो अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करना, वो सम्यक दर्शन के में उपयोगी है। बाकी सब सम्यक दर्शन में हम बात आएंगे, ऐसी वाली बात, ठीक है ना? चिंतन करना, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस बात में। अगली बात आरंभ करते हैं, अगला सूत्र। अब चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण बतलाते हैं। दर्शन मोहिनी की बात होगी, अब चारित्र मोहिनी किससे बनता है, कैसे बनता है, इसका कारण वर्णन करते हैं। अभी देखो, कसायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र चारित्र मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य, पढ़िए, चारित्र मोहस्य। देखिए, कसाय के उदय से तीव्र परिणाम होना सो चारित्र मोहिनी के आश्रव का कारण है। दो बातें हैं, कसाय का उदय और तीव्र परिणाम, इनके आधार पे ही चारित्र मोहिनी का बंधन होता है। कब कैसे कर्म का आश्रव होगा, कितनी स्थिति, कितने अनुभाग बंधेगा, ये डिसाइड कर्म के उदय से नहीं होगा, ये डिसाइड होगा कि परिणामों की कितनी तीव्रता है। इसलिए कहा तीव्र परिणामश्च, कि तीव्र परिणामों के आधार पर, कि जैसा तीव्र परिणाम होगा, जिस जाति का परिणाम होगा उस जाति के आधार पर उसका वैसा कर्म का आश्रव पाया जाता है। पंडित टोडामल जी ने मोक्षार्थ प्रकाशक के दूसरे अधिकार में जब कर्मों का वर्णन किया तो उन्होंने दो बातें लिखी हैं, कर्म के बंधन की चार बातें की उन्होंने, चार तरीके से बंधन होता है कर्मों का, प्रकृति वन, आगे प्रदेश वन और स्थिति वन और अनुभाग वन, चार बातों का वर्णन, ठीक है ना? प्रकृति वन, प्रदेश वन, स्थिति वन और अनुभाग वन। तो इन्हें प्रकृति वन और प्रदेश वन तो होता है योगों से, किससे होता है? योगों से। और स्थिति और अनुभाग बंधन होता है किससे? कसाय से। किससे? कसाय। कसाय मतलब परिणामों में तीव्रता, जैसे और जितनी तीव्रता होगी और जो अभिप्राय होगा उस तीव्रता और उस परिणामों के अभिप्राय के आधार पे जीव को स्थिति और अनुभाग बंधन होता है। स्थिति समझ गए? स्थिति मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति, फल देने की शक्ति, कितना फल मिलेगा वो डिसाइड कैसे होगा, कितने समय तक मिलेगा ये डिसाइड कैसे होता है? ये होता है दो बातों से, कितनी तीव्र कसाय है और उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, दोनों बातें लागू पड़ती है, अभिप्राय और कसाय दोनों। क्योंकि काफी बार अगर अभिप्राय खोटा नहीं है और कसाय तीव्र है तो तीव्र बंधन नहीं होता, और काफी बार कसाय मंद है लेकिन अभिप्राय खोटा है तो तीव्र बंध हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अपन ने दो तीन बार पहले भी उदाहरण लिया कि मुनिराज ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और सामने से सिंह आता है और यहां से सुअर आता है, सामने से सिंह आता है और यहां से सुअर आता है और सिंह मुनिराज को खाना चाहता है और सुअर मुनिराज को बचाना चाहता है, तो सिंह और सुअर में लड़ाई होती है, युद्ध होता है और उसमें दोनों मारे जाते हैं। कसायों की दोनों की तीव्रता थी। अभी बंधन किसको कौन सा पाया जाएगा? सिंह मर के तो नरक जाता है और सुअर मर के स्वर्ग में जाता है, तो ऐसे डिसाइड कैसे हुआ? बात समझ आई कि कसाई की तीव्रता दोनों की थी, दोनों के आधार पे ही मरण हुआ है, दोनों का ही मरण हुआ है, लेकिन एक का अभिप्राय मुनिराज को मारने का था, मुनिराज को खाने का था, तो सिंह के जो हिंसा के परिणाम थे, हिंसा के अभिप्राय खोटा था, तो उसके आधार पे मर के कहां गया? नरक गया। और सुअर का परिणाम मुनिराज को बचाने का था, तो उस अभिप्राय के आधार पे कहां गए? कि स्वर्ग चला गया। तो बना कैसे डिवाइड होगा कि परिणामों की तीव्रता कितनी और उसके पीछे का अभिप्राय क्या है? काफी बार अभिप्राय खोटा होता है और परिणाम बड़े शांत हैं, तीव्र बंधन करेगा। और काफी बार कसाई की तीव्रता भी देखने में आ रही है लेकिन अभिप्राय खोटा नहीं है। जैसे बच्चा होता है, वो विषय आएगा ना तो स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि बच्चा होता है अभी मानता नहीं है, तो माँ क्या करती है? दो तमाचे देती जोर से, है? जोर से चिल्लाती है या धमकियां देती है कि अगर तू मानेगा नहीं ना तो घर से निकाल दूंगी, तू मानेगा नहीं तो, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा मिलती हैं, है? कि जला दूंगी, मतलब लंदन नहीं, हम इंडिया में पलने वाले लोग हैं तो हमको तो आदत है, जला दूंगी, मारूंगी, डंडे से मारूंगी, बंद कर दूंगी कमरे में, नाना तरीके की बहुत सारी हैं। अभी अभिप्राय क्या है? अभिप्राय वहां कसाय का नहीं है, वहां बुरा करने का नहीं है, द्वेष करने का नहीं, बच्चे को सुधारने का, तो वहां अभिप्राय खोटा नहीं होने से कसाई की तीव्रता देखने में आ रही है, लेकिन खोटा परिणाम नहीं है तो उसका उस जाति का तीव्र बंधन नहीं हो। और कोई व्यक्ति है बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है और आपको बच्चे को किडनैप करके ले गया, इतने शांत इतने मीठे मीठे परिणाम, लेकिन परिणाम अभिप्राय खोटा, तो खोटा अभिप्राय से बंधन तीव्र होगा। वो एक दिमाग में समझने वाली बात है। यहां उसी तरीके से वर्णन की कसाय कर्म का उदय और कर्म के उदय के साथ परिणामों की तीव्रता। अब जो तीव्रता होती है उस तीव्रता के आधार पर चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय पाया जाता है। बहुत अच्छा खुलासा है, अपन पढ़ते हैं। ये जो चक्रवर्ती जो युद्ध में जाते हैं जी, उसमें ये अभिप्राय और कसाय उसमें लागू पड़ता है? लागू पड़ता है ना, क्यों नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि अंतरंग से मिथ्यात्व निकल गया, अनंतानुबंधी चला गया, चूंकि चक्रवर्ती अगर जा रहा है तो चूंकि मिथ्यात्व में मिथ्यात्व अवस्था नहीं रही और कसायों की अपेक्षा से देखें चारित्र मोहिनी की अपेक्षा अनंतानुबंधी नहीं रही, तो दो मूल चीजें निकल गई हैं। तो अभी चूंकि खोटा अभिप्राय भी नहीं है और कसायों की तीव्रता भी नहीं है, तो कर्म का बंधन तो है, ऐसा नहीं कि कर्म का बंधन नहीं है, कर्म का बंधन तो हर एक जीव को जो संसार में, लेकिन अंतरंग का बैठा हुआ कसाय का किस जाति का होता है, उसके किसे अभिप्राय क्या परिणामों की तीव्रता है, उसके आधार पर उनको बंधन पाया जाता है। मुनिराज है, संजुलन कसाय है, संजुलन कसाय के आधार पर आहार लेने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कर्म का आश्रय नहीं होता, कर्म का आश्रय है, लेकिन वहां देह का पोषण का परिणाम नहीं है और भोजन के प्रति तीव्रता भी नहीं है, तो मंद परिणाम है। देह के प्रति स्वरूप की संभाल के लिए परिणाम है, तो पुण्य का बंधन पाया जाता है। और हम हैं, हम बिल्कुल दसों दिन हमने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल उपवास किया परिसरण में दस लक्षण धर्म में है, लेकिन अंतरंग में परिणाम तो अनंतानुबंधी का है, मिथ्यात्व का है, अथवा अरे मैं दस उपवास करूंगा तो ग्यारहवें दिन मुझे सब लोग मिलने आएंगे, पारणा कराएंगे, लोग सवासी देखेंगे, अरे पूछेंगे अरे कैंप छो सातामा छो देव सासुनी के पास है, मतलब है इस तरीके से हम बातें करेंगे तो लोग अभिमान खाते हैं, तो वहां खोटा हुआ तो उसके आधार पे उसके कर्म का बंधन अलग जाति का हो। और मुनिराज दसों के दिन आहार लें और तमाम उम्र आहार लें, एक भी उपवास नहीं करे, लेकिन क्या हुआ? उपवास करने वाली बात नहीं है, परिणाम क्या था आहार लेने का? कि शरीर को पोषण नहीं करना था, वो तो शरीर का पोषण मात्र आत्मा की साधना के लिए करना, उनको वैसा कर्म का आश्रय नहीं हो, वैसी तो इससे हो सकता है कि
नहीं जे, जे, जैसे मुनि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वहां दो तीन कसाय सत्ता पाई जाती है। अभी तीन कसाय की सत्ता है तो तीन कसाय के आधार पर कर्म का बंधन है मुनि, और वहां पे वो देश कोई आत्मा की सिद्धि के लिए सिद्ध करने नहीं जा रहा है, वहां तो चक्रवर्ती पद है और चक्रवर्ती के पद के लिए जा रहा है, तो उसके आधार पर उनके वैसा कर्म बांधते पाए। लेकिन चक्रवर्ती जब युद्ध लड़ने जाता है तो एक भी बूंद नहीं बहती है खून की, मतलब युद्ध होता नहीं है, नाम युद्ध है, क्योंकि चक्रवर्ती का चक्र आगे आगे चलता जाता है। और जितने भी 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, कितने 32,000 मुकुटबद्ध, मुकुटबद्ध का बहुत लंबा विश्लेषण है, 32 व्यवहार में पढ़ना आप, मुझे याद नहीं है, मतलब आप समझो ना कई करोड़ों देश होते हैं, कई करोड़ों देश होते हैं किसके अंदर, चक्रवर्ती के अंदर, चक्रवर्ती के अंदर मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, उस मुकुटबद्ध राजा के नीचे बहुत सारे छोटे 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 राज्य होते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने राजा होते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके उसके नीचे होते हैं। तो इंडिया में इंडिया एक देश समझो, नहीं नहीं इंडिया के नाम में समझो कि जो स्टेट प्रधानमंत्री है ना, हाँ चीफ, और हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, हाँ हाँ तो मतलब वो सब उनके नीचे, हाँ तो ऐसे एक एग्जांपल लगेंगे कि जैसे एक प्रधानमंत्री से कितने 32,000 ऐसा एग्जांपल के लिए, तो बहुत होता है उसमें। तो वहां कहते हैं युद्ध लड़ने जाता है, तो युद्ध लड़ने जाने के समय ऐसा नहीं कि युद्ध होता है, युद्ध कुछ नहीं होता, एक बूंद भी खून की नहीं बहती, क्योंकि कौन लड़ेगा, जानता है ना चक्रवर्ती है, कौन लड़ सकता है उससे, कोई नहीं लड़ता है, तो वो तो अपने आप जीत जाता है, बस एक उसके चक्कर मारने का विकल्प एक तरीके से एक प्रक्रिया है, तो युद्ध के लिए निकलता है पूरी पूरी सेना और पूरे खानदान और परिवार को लेके घूमने के लिए, आप ही समझो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कसाई की व्याख्या इस अध्याय के पांचवें सूत्र में कही जा चुकी है, छठाधिकार चालू किया था तो पांचवें नंबर का सूत्र था, उसमें इस बात का वर्णन किया था। तो कसाई का मतलब राग देश रूप प्रवृत्ति या राग देश रूप आचरण, उसका नाम कसाई। उदय का अर्थ विपाक अनुभव, उदयान मतलब उस रूप से अनुभव करना, ऐसा समझना चाहिए कि जीव कसाय कर्म के उदय में युक्त होकर जितना राग द्वेष करता है उतना उस जीव के कसाय का उदय या विपाक या अनुभव होगा, मतलब कर्म के उदय से जितना जुड़ा, तो जितना जुड़ा उस जुड़ने के आधार पर उसके वैसा कर्म का उदय या उतना उसका कर्म का आश्रय होगा। कसाय कर्म के उदय में युक्त होने से जीव को, तो जीव को जो तीव्र भाव होता है वह चारित्र मोहिनी के आश्रव का कारण है, निमित्त है, ऐसा समझना चाहिए कि जितना तीव्र परिणाम है उस तीव्र परिणाम के आधार पे उसका उसका वैसा आश्रव है। फॉर एग्जांपल के लिए अपन सामने दो लोगों को खड़ा करते हैं, पांच पांडव और द्विपायन मुनि, कौन खड़े किए, पांच पांडव और द्विपायन मुनि, कांति भाई पांच पांडव के नाम, हाँ बराबर, हाँ शकुनी, हाँ किसका, कौरवों का, अपन तो पांडवों पे चल रहे हैं, हाँ दो दूसरे का नाम तो होगा, ऐसा कैसे, अरे ऐसा थोड़ी ना चलता है, अपन तो कितनी बार याद कर चुके हैं, एक देव है सहदेव है, सहदेव तो राम थे, राम के भाई थे, हाँ कोई बात नहीं, हाँ भाई भाई साहब नकुल सहद, नकुल सॉरी हाँ आप सही हो, नकुल सहद आप सही थे, मैं कंफ्यूज हूँ, ओके ठीक है ना, हाँ मैं शत्रुघ्न याद रह गया, एनीवे मेरी मिस्टेक, हाँ तो युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव ये पांच भाई थे, ठीक है ना, और अपन द्विपायन मुनि, अपन बाहर फोटो देखना, तीन फोटो से पांच पांडवों की बनी हुई है, ठीक है ना, तो पांच पांडव खड़े हैं और द्विपायन मुनि भी, छह व्यक्ति खड़े हैं, पांच पांडवों को लोहे के आभूषण पहनाए गए, ठीक है ना, और द्विपायन मुनि को सिर्फ चार बातें सुनाई गई, पत्थर देख फेंक के मारा गया, समझ, एक सामान्य एग्जाम्पल के लिए। अभी देखो हम ये मानते हैं कि इन सारे के सारे व्यक्तियों का कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया, ठीक है ना, लेकिन उसमें तीन अलग अलग स्टेट लेवल खड़े होते हैं,
एक व्यक्ति मर के नरक जाता है, एक दो व्यक्ति मर के सर्वास्थिति जाते हैं, तीन व्यक्तियों का निर्वाण होता है। कर्म का उदय है, लेकिन कर्म का उदय होते हुए भी ये अलग अलग व्यवस्थाएं कैसे बनी है ना, अलग अलग व्यवस्थाएं कैसे बनी? कि तीन को तो विकल्प ही नहीं आया, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को तो विकल्प ही नहीं आया कि बाहर क्या चल रहा, विकल्प ही खड़ा नहीं, तो विकल्प खड़ा नहीं हुआ, कोई कर्म का आश्रय नहीं, कोई कर्म का बंधन नहीं। दो को बहुत सूक्ष्म परिणाम खड़ा हुआ, संजुलन कसाय थी, उदय में आ गई, उदय में आ गई, ये परिणाम खड़ा हुआ कि मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई होता तो गुणस्थान गिर जाता, साधर्मी मुनिराज, क्योंकि मेरा भाई तो राग हुआ, उचारित मोहिनी हुआ, और साधर्मी मुनिराज वो वात्सल्य हुआ, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है दो बातों में। भाई साहब क्लियर हुआ? तो मेरे भाई नहीं, क्या साधर्मी मुनिराज, साधर्मी मुनि, कि साधर्मी मुनिराज, साधर्मी भी महामुनि की क्या अवस्था होगी? नहीं कुछ भी बोलो, साधर्मी बोलो, साधर्मी मतलब सहधर्मी थे ना, नहीं लेकिन सहदेव को जो इस पर से बताया ना कि उनको ऐसा विकल्प आ जाता है कि ये महामुनि की हालत कैसी होगी। हाँ, महामुनि वो तो क्या है, एक संबोधन की बात, हमें थोड़ी ना पता है, लिखने वाले में भी नहीं, परिणाम थोड़ा ना टोल के लिए, तो एक परिणाम हो गया पीछे से कथन, ये सामान्य कथन कि महामुनि बोलो चाहे साधर्मी बोलो, उसमें कोई बचनों का फेरफार नहीं है, ठीक है ना, क्या महामुनि बोल लो आपकी भाषा में, महामुनि को क्या हुआ या उनकी क्या अवस्था होगी या वो उनको क्या परिणाम आ रहे होंगे, एक सामान्य विकल्प खड़ा हुआ, उतने परिणाम के आधार पर कहां सर्वार सिद्धि और कहां पूर्ण सुख, एक परिणाम का, तो उसके आधार पर संसार में रह गए। अभी यहां द्विपायन मुनि, अब यहां तो लोहे के आभूषण पहनाए गए, यहां तो सिर्फ चार बातें सुनाई द्विपायन मुनि को, अथवा उनको पत्थर फेंक के मारा, और उतने ना तो कोई क्या नुकसान हुआ, पत्थर ही तो फेंक के मारा, चार बातें तो सुनाई थी, वहां तो लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे गरम गरम, तो कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, और यहां चार बातें सुन के आग बबूला हो गए, तीव्र कसाय खड़ी हो गई, यहां से बाएं हाथ से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट है, यहां से शरीर निकलता है, और वो क्या कहते हैं उसको, पुतला, अरे पुतला तो बोलते हैं, चलो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना, शरीर यहां से निकलता है पुतला, और जाके वो अयोध्या द्वारिका को पूरा जला देता है, और आके उनको खुद जला जाता है, मार डालता है, और नियम है ऐसी परिस्थिति में जी मर के नरक ही जाता है। अभी विचार करो, कर्म का उदय इन छों के छों मुनिराज हुए, लेकिन हर जीव के परिणाम आए, उसमें अपन ने तीन अलग अलग बांटे हैं, तीन पांडव, दो पांडव और एक द्विपायन, तो जिसका जैसा परिणाम, हाँ वो लाल कलर अपन ने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था, भूल रहा हूं मैं एकदम से, ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे कि जैसा कर्म का उदय, तो कर्म के उदय से प्रॉब्लम नहीं होती, कर्म के उदय में तुम जुड़ते कैसे, कर्म के उदय में आपका रिएक्शन कैसा है, कर्म के उदय में आप किस तरीके के परिणाम करते हो, उन परिणामों का लेवल क्या है, उसके आधार पे ही नए कर्म का बंधन। अगर परिणाम मंद हैं, परिणाम शांत हैं, स्वरूप के निकट हैं, धर्म के अनुकूल हैं, तो जीव को तीव्र कर्म का आश्रय, तीव्र बंधन नहीं होगा, तीव्र स्थिति नहीं, तीव्र अनुभव नहीं। और अगर परिणाम तीव्र हैं, तो जो लेवल है और जो वॉल्यूम है, आपकी भाषा जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के हिसाब से उसको उतना तीव्र उतना कर्म का बंधन होता है। अभी देखो काफी बार इसको समझे, एक व्यक्ति को कैंसर है, अब एक व्यक्ति ने कैंसर 10 साल का बांधा, तो 10 साल तो उसकी स्थिति, लेकिन 10 साल में उसको पीड़ा तीव्र नहीं है, मतलब स्लोली स्लोली चल रहा है, तो उसका अनुभाग उसने बहुत कम बांधा था, स्थिति जरूर उसकी ज्यादा हुई, लेकिन उसका जो अनुभाग था, फल देने की शक्ति थी, सामर्थ्य था, वो बहुत कम था, मंद था, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई। एक व्यक्ति वो कैसा है कि उसको कैंसर था 1 साल, टाइम पीरियड कितना, 1 साल का, लेकिन अनुभाग उसने इतना तीव्र बांधा था कि बहुत वेदना, बहुत वेदना, बहुत वेदना, बहुत तीव्र, हाँ मतलब उसने जब उसके पूर्व में कभी ऐसा कर्म का उदय आया होगा, तो उसने थोड़ी देर के लिए कसाई की होगी, लेकिन थोड़ी देर की कसाई में उसने टाइम पीरियड कम बांधा, लेकिन उस टाइम पीरियड में उसने तीव्र कसाई की, और बहुत ज्यादा तीव्र कसाई की, बहुत लोगों का बुरा करने का, एग्जाम्पल के लिए बहुत बुरा करने का परिणाम हुआ, तो उसमें अनुभव जो बना वो बहुत बुरा बना, अनुभव का
फल देने की शक्ति, फल देने की शक्ति मतलब कि जैसे जैसे एग्जांपल के लिए जैसे भाई अपन ने एक साल जिसको कैंसर था लेकिन वेदना बहुत तीव्र थी, बहुत आकुलता व्याकुलता, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, और बहुत जो पीड़ा हो रही थी उसको सही नहीं जा रही, तो वो अनुभाग वो फल देने की उसकी शक्ति, उन जो कर्म का उदय आया ना उस समय, तो उन कर्म में फल देने की जो पावर थी बहुत तीव्र थी, और पहले वाले व्यक्ति के जो फल देने की जो शक्ति थी कर्मों की बहुत मंद थी, तो उसके आधार पर उसको तीव्र वेदना नहीं हुई, सॉफ्टली चला गया उसका कैंसर, समझे ना। तो इस तरीके से तो यहां बहुत सारी बातों का विचार विवेक आवश्यक हो जाता है कि हमारे कब कर्म का उदय आ जाए, आपका रिएक्शन कैसा है। और आपने जो 10 साल का और 1 साल का जो एग्जांपल दिया, तो उसमें प्रसाद की अपेक्षा है, जो 1 साल वाला एग्जांपल है उसमें और तीव्र प्रसाद करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आपका जैसा कर्म का उदय जितना तीव्र होगा आपको फोर्स भी उतना लगाना पड़ता है ना, आपके सामने बॉल कोई जितनी तेजी से फेंकेगा तो उतना आपको पावर से आपको उसको कैच करना पड़ता है, या आपको कोई चीज जितनी तेजी से आप उसको उतना पुरुषार्थ से आपको उसको ढकेलना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, तीव्र कर्म का उदय आएगा तो आपके उतनी स्वरूप की तीव्र मगनता या उतना तीव्र स्वरूप को पकड़ के चलना पड़ेगा, वो आपका उतना तीव्र पुरुषार्थ होगा, कम है तो आपका उतना पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता, जरूरी नहीं पड़ती काफी बार, ऐसी वाली बात हो जाती है। हाँ मतलब सावधानी चाहिए, बहुत बातें हैं यहाँ इन सब बातों में, कि क्योंकि कर्म का उदय तो जीव के बना ही रहने वाले, और चूंकि संसार है तो कोई भी शाश्वत पुण्य तो लेके नहीं आया है, हर जीव के पाप का उदय आने ही वाला है, ये आप बांध के चलो, और चूंकि पंचम काल में जीव पैदा हुआ है तो पंचम काल का तो नियम है कि किसी के पुण्य का उदय नहीं आए, क्या नियम है, क्योंकि काल का नाम क्या है, नहीं नहीं ये तो नंबर है, नाम क्या है, दुखमा, दुखमा सुखमा तो है ही नहीं भैया, जब सुख का नाम ही नहीं है तो सुख आएगा कैसे, तो वस्तु व्यवस्था मतलब कर्म के परिणमन के हिसाब से तो दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं, तो दुख का उदय तो आने वाला है, पाप का उदय तो आने वाला है, तभी तो पांचवें काल का मनुष्य हुआ, पढ़ लेना रतनगण साहब का चार में लिखा कि पाप के उदय से पांचवें काल का मनुष्य हुआ है, ऐसा लिखा है, नीच कर्म किए पूर्व में इसलिए पांचवें काल का मनुष्य हुआ, ऐसा कथन आता है, समझे ना। तो अभी पाप का उदय तो आने वाला है, अभी करोगे क्या आप, आपके पास क्या समाधान है, आप जितना चीखोगे जितना चिल्लाओगे जितना आकुलित व्याकुलित करोगे जितनी टेंशन लोगे और जितना उसके विपरीत परिणमन करोगे, धर्म के विपरीत परिणमन करोगे, उतना तीव्र कर्म का आश्रय होगा। तो आज तो भोग रहे हैं, आज तो आकुलित हैं, आने वाले अनंत समय में आने वाले फ्यूचर की भी आप अपनी गारंटी करते जा रहे हो कि आपको आने वाले समय भी उतना तीव्र कर्म का उदय आए ना। हाँ हाँ वो तो कर्म का उदय जो है वो है, आप जितनी शांति जितनी परिणामों की निर्मलता विशुद्धता रखोगे उतना आप सहज रहोगे, उतना आपके आने वाला क्लियर समय भी क्लियर होगा, और जितनी आप तीव्र परिणाम करोगे उसके आधार पर उतना तीव्र आपके बंधन कर्म का पाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का विवेक लागू पड़ जाता है मोक्ष मार्ग में चलने के लिए और सावधानी रखने के लिए। तो पंडित टोडामल जी ने बस दो मिनट में खत्म करता हूँ, स्पष्ट लिखा मोक्षा विकास है, जिन्हें कर्म का बंधन नहीं करना हो वो कसाएं ना करे, क्या लिखा, जिसको कर्म का बंधन नहीं करना हो वो क्या ना करें, कसाएं ना करें। अब जिसको कर्म का बंधन है उसको पूरी छूट है, कौन कौन भोगने को तैयार है भैया, हाथ उठाओ, कोई तैयार नहीं है, तो उसका समाधान क्या है, परिणामों को टटोल, परिणामों में कसायों की क्या तीव्रता है कैसी है उसका विचार विवेक करके, हमारा कर्म का उदय आता है तो हम क्या रिएक्शन देते हैं, हम कितने उसमें सम्मिलित होते हैं, कितनी तीव्र राग द्वेष की प्रवृत्ति करते हैं, वो आपका व्यक्तिगत, भूख लगी तब, भूख लगी तो क्या खाना, भूख तो लगी है सही बात है, अभी उसमें कर्म का बंधन क्या खाया तुमने और कितनी तीव्रता से खाया, एक व्यक्ति ने कुछ भी खा लिया उसको उतना तीव्र पाप का बंधन होगा, एक व्यक्ति ने विवेक विचार करके कि निमिया रात हो गई है, रात को अन्न तो खाना नहीं चाहिए, मैं खा नहीं पाऊंगा लेकिन भूख लग रही, कम कर दूध पी के सो जाओ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दूध पीने का अनुमोदना नहीं कर रहा हूं, तो आदमी ने दूध पी के सो गया तो उसको कर्म का आश्रय तो हुआ, कर्म का बंधन हुआ क्योंकि दूध पिया है, तो क्रिया हुई तो परिणाम हुआ, तो परिणाम क्या, धर्म कर्म का बंधन, लेकिन
एक जो रात को बना के खा रहा है या कुछ भी खा रहा है उसके कंपैरिजन में बहुत माइनर, तो वहां विवेक लागू पड़ेगा। तो परिणाम तो आएंगे, कर्म का उदय है, लेकिन उसका लेवल क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो, ऐसी वाली बात, ठीक है ना। शेष चर्चा अगली बार।